from my point of view, the most important subject is auditing. I'll tell you why. Most of the students in India who fail CS Foundation fail because accounts ka sir total nahi aaya. The pass percentage in accounts is 40%. Out of 100%, you should score 40%. Now, the total number of MCQ in accounts is 50. Out of 50 MCQ, you need 20 correct. 50 MCQ में कितने करेक्ट आने चाहिए मेरे 20. इसका ये मतलब है कि ऑडिट के 15 MCQ अगर मुझे करेक्टली आ रहे हैं तो I just need 5 करेक्ट MCQ in accounts and I pass. Awesome ना? I will repeat again. How many MCQs of auditing? 15. How many total MCQs of accounts? 35. Total number of MCQs which should be correct, 20 to pass. So I proudly say and I proudly announce that in the last 3 batches, not one student of mine has filled in accounts and auditing. Because hey, na dangerous auditing kara ke leta, ki fail hota hi nahi hai. Achha, accounts mein out of 35 MCQs, many are failed. So bahut sare aapke aise aate hain. Theek hai, happy? But ऑफलेट एक बहुत डेंजरस चीज इंस्टीट्यूट कर रही है. द करिकुलम सेज दैट ऑडिट इज 30%. सो आइडियली 15 क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड. बट किसी किसी को 12 क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी को 8 क्वेश्चन आते हैं ऑडिटिंग के, और किसी किसी को 20. आई थिंक इट इज बिकॉज द क्वेश्चन बैंक एट द बैक एंड ऑफ द कंप्यूटर इज लाइक 300-400 MCQs, आउट ऑफ विच रैंडम क्वेश्चंस आर आस्क्ड. दे आर नॉट सेग्रीगेटेड. कभी कभी ऑडिट के ज्यादा है, ऑडिट के कम आ सकते हैं. ये एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है. ये ऑफलेट टू अटेम्प्ट्स मेरे स्टूडेंट्स ने बताया. इसके पहले द पैटर्न वाज फिक्स्ड 15 MCQ बट नॉट चेंजेस. आपको समझ में आ रहा है? तो जो अकाउंट्स ऑडिट का सेक्शन होगा उसके 50 MCQ होंगे, बट कुछ यू नो इट विल बी मिक्स्ड. सो वन ऑडिट 3 अकाउंट्स, वन ऑडिट 4 अकाउंट्स, ऐसे MCQ आएंगे. तो कभी कभी ऑडिट के आपको 15 से कम ज्यादा आ सकते हैं, बट 15 इज द एवरेज MCQs जो आएंगे. And yes, all of my students, they are forced to score full marks in audit class test and in exams and even in test series. So, मेरा कोई student accounts में fail होते नहीं है. तो ironically अगर fail हुए तो BE, BM, business communication में होते, which is really stupid on students part. I mean, वो fail होने वाले subject देख रहे हैं. तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूँ ठीक से पढ़ाई करो. I promise you, मैं आपको accounts audit में fail नहीं होने दूँगा. बाकी मैं वही पे बेवकूफी आपकी कि हमने सब कुछ पढ़ा है, आपको घर पे एक बार रिवाइज करके MCQs प्रैक्टिस करके टेस्ट में फुल स्कोर लाके, टेस्ट सीरीज में फुल स्कोर लाके एग्जाम में मेरिट में आना चाहिए. ठीक है ना एवरीवन? ओके, सो द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ ऑडिटिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर्स. नंबर 1 कांसेप्ट्स, नंबर 2 टाइप्स, नंबर 3 टूल्स, एंड नंबर 4 ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी ऑडिटर, बेसिक प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये ऑडिटिंग होता क्या है? ऑडिटिंग मींस चेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन ऑडिटर, एंड जनरली द ऑडिटर इज चार्टर्ड अकाउंटेंट बट नॉट ऑलवेज. सो लेट अस डाइव इनटू डिटेल्स. कंपनीज आर प्राइमरली गवर्न्ड बाय कंपनी एक्ट 2013. अपार्ट फ्रॉम सेबी एक्ट, सेबी रेगुलेशन एक्सेट्रा, मेनली कंपनी एक्ट को, कंपनीज को कंपनी एक्ट गवर्न करती है. नाउ Company Act makes it mandatory for companies to prepare books of accounts. Books of accounts company ki kaun banata hai? Management. Who prepares books of accounts? Management prepares books of accounts of company. Okay? So, revenue statement, balance sheet, cash flow statement, etc. ये सब management बनाती है. Management बनाती है मतलब कि क्या? तो जो board of director खुद बैठ के tally entry pass करते हैं क्या? Not really. They hire a chartered accountant. और चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे बहुत बड़ी टीम होती है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंस फंक्शन, और उसका सब फंक्शन होता है अकाउंटेंसी. बड़ी बड़ी टीम्स होती है और टीम्स अकाउंटेंसी करती है. दिस इज एब्सोल्युटली ओके. सो याद रखना कि प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स इज कंपलसरी फॉर ऑल कंपनीज अंडर कंपनी एक्ट 2013, और सीए होता है जनरली ये टीम का बॉस, लीडर. कभी कभी दूसरे एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं लाइक सीएमएस, और सीए और उनकी टीम अकाउंट्स को कंपाइल करती है. दीज आर पार्ट ऑफ कंपनी, दे आर एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी. इज इट ओके एवरीवन?
अगर कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाई तो कंपनी इज इन वायलेशन ऑफ कंपनी एक्ट, और ये वायलेशन कौन इंश्योर करेगा कि कंपनी काम करे? सीएस, बिकॉज हु इज द लीगल एंड कंप्लायंस ऑफिसर? सीएस। तो सीएस कंपनी में अपॉइंटमेंट लेते ही चेक करते हैं कि यार सब कुछ ठीक है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, अकाउंट्स बना रहे ना, लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट है ना, बैंक लोन ठीक से ले रहे ना, रिपेमेंट ठीक से हो रहा है ना, सभी को सारे कॉम्प्लायंसेस हो रहे कि नहीं, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका सारा इन्फॉर्मेशन टाइमली जा रहा है कि नहीं, कंपनी के अंदर अच्छा सेट ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर है कि नहीं, कंट्रोल सिस्टम्स है कि नहीं, ये सब सीएस चेक करता है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, कंपनी एक्ट और एक चीज बोलती है, कंपनी एक्ट बोलती है कि जो पर्सन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, मतलब कि सीईओ और उसके टीम, ये छोड़ के बाहर के लोग, अननोन पीपल हु आर नॉट रिलेटेड टू कंपनी मस्ट कम एंड दे मस्ट चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेदर दे शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। बोलो, बाहर के सीए आके क्या चेक करेंगे? वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। एवरीवन आर यू विद मी? अब ये जो सीए और उसके टीम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, दे आर एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी, so these CAs are not practicing CA. Let me first tell you, once you become CA, CS, CMA, आपके पास दो रास्ते, either you obtain certificate of practice or you don't. What is certificate of practice? Certificate of practice is a license to do attestation, means signing work. If you have that license, you are bound by very strict code of conduct. No advertisement. No soliciting clients, people will come to you, then you do their work. You cannot do work of more than specified number of clients. A very strict guidelines applied to you. You cannot do anything else. No business, no teaching, no nothing. And when you don't have certificate of practice, you cannot do attestation work. You can put true copies, stamps. Basic attestation kar sakte ho, but audits nahi kar sakte. You cannot sign balance sheets, you cannot conduct GST audits, tax audits. But you can teach, you can have your own businesses, you can advertise anyhow you like. Follow certain code of conduct. Do not bring disrepute to CS, CS or CMA profession, and carry on your business, advertise, and you are not bound by strict guidelines. So I teach full time. So do I have certificate of practice? No. If I take certificate of practice today, I'll get it in one day, but then I have to stop teaching. Okay, everyone? I have to stop being owner of business. I can only be owner of partnership firm or sole proprietorship, which is a CA firm. The name of the firm cannot be Edward Academy. It will be Eddie Singh, an associate chartered accountant. Are you with me? So, mujhe batana ki books of accounts firm banata hai? Employee CA who does not have certificate of practice. The CA can have certificate of practice and can have his firm and can prepare accounts for company as a consultant, as an outsourced chartered accountant. Is this okay, everyone? But, jo person accounts ko aake check karega, they must be CA having certificate of practice. So tell me, who can conduct audit in India? Only CA who is in practice. तो मुझे बताना, books of accounts कौन चेक करता है? They are audited by auditor. And auditor कौन होता है? Chartered accountant in practice. It is compulsory as per company act 2013. और company ऐसे auditor को appoint करी या नहीं, कौन ensure करेगा? CS. और अगर auditor को appoint नहीं किया, तो CS must take immediate action as per company act. Immediate action. Okay? And now, when the outside chartered accountant comes in the company, they will meet which professional? Director. Hey, Mukesh ko bula rahe. Anil ko bula. Kidhar hai Mukesh Ambani? Bula. Aise hoga? No. They will ask, who is the legal compliance officer? Who is the contact point? Contact point is always company secretary. Then company secretary will arrange a cabin, arrange computer resource, arrange an atmosphere for the auditor to sit and conduct audit. CS will tell all the staff, including the accounts department, that auditors are here. Whatever information they need, you must provide them. They are statutory officers. And then this team will provide all the information. And CS is the point of contact. CS will ensure ESR information team provide kar diya hai. Now, generally, in an ideal scenario, these people are accounts expert. These people are accounts expert. So they will directly meet and coordinate. Generally, it will be, hey, hi, how are you?
You have become the auditor of this company. Awesome. This is great. Generally, it is going to be a network of chartered accountants and they know each other. Like, mere saath bhi bhabha hua hai. When I am an employee of the company, mere dosti aa jaate audit karne ke liye. Toh bahut bhar hota hai. Yes or no? But many a times it will not happen. CS will ensure ki auditor ko sara information company provide kar rahi hai. This is absolutely okay. Did you understand the basics? So accounts kiska function hai? Chartered accountant. Audit किसका function है? Chartered accountant. तो यार question is कि हमें curriculum में इसलिए because accounts बन रहे हैं नहीं कौन check करेगा? CS. Audit हो रहा है नहीं कौन check करेगा? CS. और accounts function और audit function ये दोनों एक साथ synced हैं नहीं ये कौन ensure करेगा? CS. Exactly. आपको accounts भी आना चाहिए और आपको audit भी आना चाहिए. ये तो हो गया accounts का audit. अकाउंट्स के ऑडिट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल ऑडिट बट सारे कायदे कानून का ऑडिट जिसको हम कॉम्प्लायंस या सेक्रेटरियल ऑडिट बोलते हैं ये कौन करता है सीएस ऑडिट बहुत तरीके के होते हैं ऑडिट थिंग्स कुछ है नहीं इंटरनल ऑडिट व्हीकल ऑडिट इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट प्रोप्राइटरी ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट ऐसे बहुत टाइप के ऑडिट्स होते हैं प्रोडक्शन ऑडिट एफिशिएंसी ऑडिट कोई भी ऑडिट हो सकता है तो फाइनेंशियल ऑडिट के एक्सपर्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं टैक्स ऑडिट के एक्सपर्ट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स होते हैं जीएसटी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं कॉस्ट ऑडिट सिर्फ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कर सकते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट सिर्फ कंपनी सेक्रेटरीज कर सकते हैं सो ऑडिट्स आर ऑफ वेरियस टाइप ये वाला जो ऑडिट हम पढ़ रहे हैं दिस इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स दिस इज फाइनेंशियल ऑडिट एवरीवन आर यू विद मी प्राइमरी वी आर गोइंग टू स्टडी फाइनेंशियल ऑडिट ओवर हियर And earlier, financial auditing was there in CS Executive also, now it is abolished. This is the first and last time you are going to study audit. I have to make sure it counts. I have to make sure you remember this for the rest of your life. Because every day you are going to deal with auditors. This is absolutely okay, everyone. Chalo. Main aage ja raha hoon. And I just wanted to tell you some thumb rules before we commence with the curriculum. In our curriculum, whenever I say auditing, I am talking about company audit and not other audits. Let me tell you that there are more than 100 types of audits. Audit of sole proprietorship, audit of partnership, audit of limited liability partnership, audit of cooperative society, audit of trust, audit of statutory corporation, government audit, internal audit, GST audit, tax audit. ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट ऐसे बहुत ऑडिट्स होते हैं मैं कौन से ऑडिट की बात कर रहा हूँ हमेशा कंपनी ऑडिट नॉट अदर ऑडिट्स नंबर टू आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैट्यूटरी ऑडिट इज ऑडिट कंपलसरी बाय स्टैट्यूट मतलब की लॉ मतलब की कंपनीज एक्ट एंड नॉट अदर ऑडिट लाइक इंटरनल ऑडिट नंबर थ्री आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल ऑडिट मतलब की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट विच इज कंडक्टेड बाय CA नॉट सेक्रेटरियल ऑडिट नॉट कॉस्ट ऑडिट Whenever I say, let us study audit. बोलो, मैं कौन से audit की बात कर रहा हूँ? Number one, company audit. Number two, statutory audit. Number three, financial audit. Generally. In this subject, we are also going to study a para-on secretarial audit, a para-on cost audit, a para-on internal audit. We are going to study. But उसके अलावा सारे pages में जब भी हम audit की बात करते हैं, तो we are talking about statutory audit of a company conducted by a chartered accountant. This is absolutely okay, everyone. Ye cheez dhyan mein rakho. Dear students, the word auditing has been derived from Latin word audere, which means to hear. Ab meri baat dhyan se suno. Institute of Chartered Accountants of India ne bola hai that audit is an. We are going to write this definition 25 times, by the way, whether you cooperate or not. We are going to write this 25 times. This definition is going to be the cornerstone of our studies of audit. Is this okay, everyone? So, your definition ke 6 points hai, my definition abhi kabhi by heart karni hai. The definition is given by the Institute of Chartered Accountants of India. Auditing is an independent examination. Audit kya hai? Independent examination. Let us try this again. And audit is? Independent examination. One last time. And audit is? Independent examination. स्टूडेंट्स एक बार फिर से कोशिश करेंगे एंड ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन
मतलब कि क्या है, मतलब कि जो ऑडिटर है जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एग्जामिन करने आ रहा है, ही इज इंडिपेंडेंट. ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट. ऑडिटर्स, ऑडिटर्स वाइफ और ऑडिटर्स हस्बैंड और ऑडिटर्स चाइल्ड और पेरेंट्स आर नॉट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी जिसको ऑडिट कर रहा है. ऑडिटर के कोई भी रिलेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं बैठे. ऑडिटर खुद वो कंपनी में काम नहीं करता. ऑडिटर कैसा होना चाहिए? अननोन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल. वो आए दूध का दूध, पानी का पानी. जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है. जो गलत है उससे किसकी जॉब जा रही है, किसका सेबी का रिपोर्टिंग हो रहा है, किसको जेल हो रही है, ऑडिटर को उससे कोई लेना देना नहीं है. ऑडिटर को अपना काम पूरी ईमानदारी मतलब इंटीग्रिटी से करना. दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन. आपको समझ में आया इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या है? नंबर टू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मैंने आपको पहले बताया था हम जो ऑडिट की बात करें वो फाइनेंशियल ऑडिट की बात करें. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है एवरीवन. ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. तो ऑडिट किसका होगा एवरीवन? एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट कंपनी बट ऑडिट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है. दी ऑर्गेनाइजेशन कैन इवन बी नॉट फॉर प्रॉफिट. इज इट ओके एवरीवन? आगे इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म. इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म. तो फर्म का मतलब कंपनी का साइज छोटा हो बड़ा हो उसका ऑडिट करना जरूरी होता है. और लीगल फॉर्म मतलब कि क्या? वेदर इट इज पार्टनरशिप हैविंग नो सेपरेट स्टेटस और वेदर इट इज कंपनी हैविंग सेपरेट लीगल स्टेटस. कोई भी लीगल फॉर्म हो या ना हो वो इररिस्पेक्टिव है. When such an examination is conducted with a view to obtaining an opinion thereof. Is this absolutely okay everyone? तो ये जो examination हम करते हैं इसका object क्या है? With a view to obtaining opinion. क्या obtain करना है? हमने auditor का opinion. Auditor will express their opinion. तो ऑडिटर आके ऐसा करेगा क्या? ए यू तूने फ्रॉड किया तू चल जेल, चल हथकड़ी बांधते तेरे को. नो 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 नो. ऑडिटर ऐसा कुछ नहीं करेगा. ऑडिटर एक साड़ी पहन के या एक ब्लेजर पहन के आने वाले प्रोफेशनल्स होते हैं. ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेंगे, अपना एक ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें कमेंट लिखेंगे कंपनी के बारे में, उसको साइन स्टैम्प मारेंगे. आपको समझ में आ रहा है? इसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के मैनेजमेंट या सेबी या स्टॉक एक्सचेंज या एमसीए गवर्नमेंट जो भी एक्शन लेना चाहे ले सकती है. वो उनका काम. हमारा काम क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ओपिनियन अपना देना और कुछ नहीं करना. आप अपने क्लाइंट पे मतलब कि जो कंपनी ऑडिट करो उस पर चिल्लाओगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, बस अपना काम करोगे, इंफॉर्मेशन के अनुसार ऑडिट करोगे, सिग्नेचर करोगे, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करोगे. This is absolutely okay everyone, no problem at all. फिर से आपको ऑडिट की डेफिनेशन बता दूं everyone. An audit is independent examination of financial information of any entity whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. Yes or no, everyone? Yes. So audit is independent examination of financial information of any entity whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted, this is due to expressing an opinion thereon. So auditor independent expert hoga, company se related nahi hoga. To auditor ekdam unbiased, fair aur integrity wala person hoga. Jo company mein koi bhi officer ne galat kaam kiya to bina soche गलत काम पूरा रिपोर्ट करेगा. यस और नो? वही तो काम है आपका. नंबर टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कब चेक करोगे? कंपनी की कौन सी गाड़ी का कौन सा टायर फट गया ये चेक नहीं करना, इसके लिए व्हीकल ऑडिट होता है. कंपनी में कहां पे आग लग गई इसके लिए फायर ऑडिट होता है. कंपनी में जो लेबरर्स है उनकी मांगे पूरी नहीं कर रहे इसका लेबर ऑडिट्स होते हैं. आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? वो ऑडिटर का काम नहीं है, वो दूसरे ऑडिटर्स का काम है. कोई भी एंटिटी का ऑडिट हो सकता है वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट. एंटिटी का साइज या लीगल फॉर्म कुछ भी हो सकता है. ऑडिटर का काम है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ओपिनियन एक्सप्रेस करके ऑडिटर बोलेगा टाटा गुड बाय अगले साल. दिस इज ओके एवरीवन? वेरी गुड. तो ये हो गई ऑडिट की डेफिनेशन. डियर स्टूडेंट्स आई होप यू अप्रिशिएट कि अभी तक मैं मॉड्यूल बेस्ड नोट्स पे गया ही नहीं.
मैं आपको कोर एरिया सिखा रहा हूं कि ऑडिट होता क्या है, तो इस बेसिस पे आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलने के बाद अपने नोट से पढ़ के बहुत इजी लगेगा और आपको सब इजीली समझ में आएगा। ये सीनियर स्टूडेंट्स, आज से काफी साल पहले 1896 में एक बहुत बड़ा बवाल मचा था। किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी में एक बड़ा फ्रॉड हुआ। शेयर होल्डर्स ने बोला, ओनर्स ने बोला कि ये ऑडिटर है, ये ऑडिटर आके कंपनी के अकाउंट्स चेक करते हैं और देखते हैं कुछ फ्रॉड तो नहीं है। तो यार ये जो ऑडिटर है इसको समझा नहीं, इसको अक्ल नहीं है। कुड ऑडिटर नॉट डिटेक्ट द फ्रॉड? इफ नॉट, ऑडिटर इज लायबल। हमें जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई ऑडिटर करे, ऑडिटर इज लायबल, ऑडिटर को पकड़ो। लॉर्ड जस्टिस लूप्स ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसको हम हर ऑडिट क्लास में पढ़ते हैं, और लॉर्ड जस्टिस लूप्स ने कहा ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, नॉट अ ब्लडहाउंड। बोलो, लॉर्ड जस्टिस लूप्स ने क्या कहा? ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, नॉट अ ब्लडहाउंड। ब्लडहाउंड क्या करता है? जो खून होता है ना, खून या जो सेंट होती है एनिमल की, उसको सूंघ के हंटर को हेल्प करता है एनिमल को हंट डाउन करने के लिए। ब्लड स्मेल करता है जो इंजर्ड एनिमल होता है, दैट इज अ ब्लडहाउंड। ओके, तो एवरीवन, जब कंपनी में फ्रॉड होता है तो उसको चेक करना, उसको डिटेक्ट करना और फ्रॉड फिर से ना हो ये प्रिवेंट करना, ये काम एक इन्वेस्टिगेटर का है, ऑडिटर का नहीं है। ऑडिटर का क्या काम है? टू एक्सप्रेस ओपिनियन। व्हाट इज द जॉब ऑफ ऑडिटर? टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। सो एवरीवन, ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, ऑडिटर विल ओनली एक्सप्रेस एन ओपिनियन। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड इज नॉट प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ऑडिटर। दिस इज एब्सोल्युटली ओके। एवरीवन देखो क्या है, एवरीवन सुनो, अगर कंपनी के अंदर इस प्रकार के फ्रॉड्स हैं जो हिडन है, जो लेटेंट है, जिसको कोई ऑर्डिनरी पर्सन देख के या इवन ऑडिटर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ ऑडिट देख के डिटेक्ट नहीं कर पा सकता, तो ऐसे फ्रॉड्स के लिए ऑडिटर लायबल नहीं है। हाँ, जो फ्रॉड दिख के आ रहा है उसके लिए ऑडिटर लायबल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सत्यम स्कैम में क्या हुआ कि सत्यम की बैलेंस शीट बनी, तो ऑडिटर बैलेंस शीट का हर आइटम चेक करते हैं, बैठते, बड़ी बड़ी टीम होती है 30-30-40 ऑडिटर्स की। एक हेड ऑडिटर होता है, उसके नीचे पूरी हायरार्की पिरामिड होता है, उसके नीचे 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, ऑडिट मैनेजर्स, उनके नीचे बड़ी बड़ी टीम्स होती है, बहुत सारे असिस्टेंट्स consisting of BCOMs and CA interpass students etc. और ये लोग जाके meticulously चीजें check करते हैं, reports compile करते हैं, senior auditor check करके फिर sign करते हैं particular area of audit। तो सुनो everyone, there is a concept in checking bank balance जिसको हम बोलते हैं bank reconciliation statement। How does auditor check bank balance? In case of bank balance which is in hundreds or thousand crores, ऑडिटर हिमसेल्फ गोस टू द बैंक, टेल्स द ड्राइवर, ड्राइवर मेरी BMW निकाल और वो बैंक में चलो। ऑडिटर गोस टू द बैंक, बैंक मैनेजर हैज ऑलरेडी गॉट अ लेटर फ्रॉम द ऑडिटर्स ऑफिस दैट वी आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट ऑफ सो एंड सो कंपनी एंड वी हियरबाय रिक्वेस्ट यू टू गिव अस एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो कंपनी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 1st April 2019 टू 31st March 2020। बैंक मैनेजर हैज टू इमीडिएटली कॉम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट, ही इज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? देन ऑडिटर विल फिजिकली चेक गोइंग टू द बैंक, आफ्टर गोइंग टू द बैंक क्या बैंक बैलेंस है, एंड देन ऑडिटर विल कम बैक टू द कंपनी, चेक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, चेक द लेजर बैलेंस फ्रॉम द ईआरपी सिस्टम, लेट अस से ओरेकल या SAP, उसका बैंक बैलेंस देखेगा, कंपनी ने लिखा है 2000 करोड़ बट बैंक बैलेंस इज 2020 करोड़, तो 200 करोड़ का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि चेक्स इन ट्रांजिट, हर एक चेक को देखेगा कि उसका ज़ेरॉक्स कॉपी कहाँ है, क्यों ट्रांजिट में, कौन से दिन को चेक आया, ऑडिटर का वेट फॉर फ्यू डेज फॉर द चेक टू गेट क्रेडिटेड, एंड दैट इज हाउ ऑडिटर डज ऑडिट। सत्यम के केस में क्या हुआ कि 1000 करोड़ का बैंक बैलेंस दिखाया गया जबकि वो उतना नहीं था और ऑडिटर ने उसका साइन कर दिया। ऑडिटर की गलती है ना, ऑडिटर तू बैंक गया क्या, तूने बैंक स्टेटमेंट ऑब्टेन की क्या, की होती तो दिखाओ ना तेरे को, तो यहां भी ऑडिटर की गलती है। अब एडवर्ड एकेडमी का ऑडिट हो रहा है, एडवर्ड एकेडमी की 5 मान लो बिल्डिंग्स हैं, 5 डिफरेंट क्लासरूम्स हैं, ऑडिटर आया
और उसने पांच क्लासरूम देखी और उसने साइन कर दिया कि हाँ यार बिल्डिंग्स है पांच क्लासरूम ये प्रायोरिटी एडवर्ड अकेडमी के दो ही क्लासरूम है तो ऑडिटर की गलती है ना ही शुड कम एंड सी एंड चेक ना कि क्लासरूम है या नहीं बुक्स में दिख रहा है कि हाँ बिल्डिंग खरीदी हुई है बट फिजिकली बिल्डिंग है कि नहीं कंपनी क्यों चेक करेगा ना ऑडिटर तो ये सब अगर ऑडिटर ने नहीं किया तो ऑडिटर इज लायबल बट अगर कंपनी का हर बिल एक फेक बिल है हर पेट्रोल का बिल 500-500 रुपए के पेट्रोल के बिल है और हर बिल एक प्रिंटर से निकाल के उस पर होल्स मार के एग्जैक्ट एचपी का या एग्जैक्ट इंडियन ऑयल का लोगो लगा के वो बिल निकाला गया तो ऑडिटर को नहीं समझेगा ना कि फ्रॉडुलेंट बिल है असली या वेगनरी बिल मुझे एक बात बताओ क्या आप और मैं अभी एक बिल बना सकते हैं कंप्यूटर में डेट पर्टिकुलर्स नेम ऑफ द मेडिकल शॉप श्री हरि ओम एंटरप्राइजेस केमिस्ट केमिस्ट का प्लस साइन ऐसा लगा सकते हैं उसका लेजर प्रिंट आउट कलर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं यस और नो किसको समझेगा सही है या झूठ है चिपले बंधु का बिल स्कैन करके कंप्यूटर पे फोटोशॉप पे एडिट करके ब्राइट करके ऑफिस से प्रिंट आउट निकाल सकता हूं मैं यस तो ऑर्डर को कैसे समझेगा यार क्यों छोटे बिल्स है छोटे छोटे 500-500 के बिल जिसका टोटल हो रहा है 2 lakh rupees हाउ विल ऑडिटर नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट एवरीवन आपको समझ में आया सो देयर आर सम फ्रॉड्स व्हिच द ऑडिटर कैन नॉट डिटेक्ट ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ ऑडिट उसमें ऑडिटर इज नॉट लायबल बिकॉज़ ऑडिटर इज अ वॉचडॉग बट जो फ्रॉड एरर दिख के आ रहा है नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑडिट में ऑडिटर को देखना चाहिए उसके लिए ऑडिटर लायबल है This is absolutely fine, everyone. No problem at all. Okay. So, मेरे को फिर से बताओ, Lord Justice Lukes ने क्या कहा था? Auditor is a watchdog, not a bloodhound. इसका ये मतलब है कि auditor की primary duty है to express an opinion. Primary duty? Express an opinion. Secondary duty to prevent and detect error. हाँ, error fraud detect prevent करना auditor की duty है, but secondary. During course of audit, auditor should obtain information, explanation and documents. He should go and actually visit the factory, see ki wahan pe machines hain. Visit the classrooms and actually check ki classroom hai. Ab mere jo balance sheet hai, usme likha hua hai ki TV monitors hai. Total number of TV monitors in Edward Academy is let us say 10. Auditor is like, oh my god, we can have 2 classrooms, 2 offices. How do we have 10 monitors? आपको समझ में आ रहा है ये ऑडिटर को आके एक बार चेक करना Everyone are you with me? यहाँ पे auditor is liable for detecting and preventing errors and frauds. तो मुझे एक बात बताना dear students, क्या हमने rule deduce किया है कि what is the primary duty of auditor? Primary goal या primary duty क्या है? To express an opinion whether the books of accounts show a true and fair view or not. और बोलो secondary goal या secondary duty क्या auditor की? To detect and prevent errors and frauds. क्या ऑडिटर एरर फ्रॉड के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है नो जो एरर फ्रॉड ऑटोमेटिकली देख के आना चाहिए उसके लिए ऑडिटर लायबल है दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन नो प्रॉब्लम एट ऑल स्टूडेंट्स वी आर नाउ गोइंग टू सी द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट इंटरनल ऑडिट में एक चैप्टर है जिसको हम दो दो तीन तीन घंटा पढ़ने वाले हैं बट अभी के लिए मैं एकदम ब्रीफली आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपको याद है मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था कि पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं और फिर एक्सटर्नल ऑडिटर आके उसको चेक करता है ये चार्ट पूरा ही सही नहीं है ये चार्ट गलत है मैंने आपसे झूठ कहा था रियलिटी में क्या होता है एवरीवन ध्यान से सुनो रियलिटी में कंपनी में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंटरनल ऑडिटर चेक करते हैं इंटरनल ऑडिटर कौन होता है सीए एंड हिज टीम देन इंटरनल ऑडिटर ने जो काम चेक किया उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर चेक करते अलॉन्ग विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स आई विल रिपीट अगेन
बड़ी कंपनी बड़े बिजनेसेस में क्या होता है, पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, फिर इंटरनल ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, बोलता है तुम लोग पागल हो गए, गलत गलत बनाए, इसको ठीक करो, बाहर के ऑडिटर के आने से पहले क्या कर रहे हो यार, ठीक करो, बाहर का ऑडिटर आएगा उसको टाइम लगेगा ऑडिट करने में, हम सबका टाइम वेस्ट होगा, प्लीज ठीक करो। अरे यार तुम लोग ने बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपडेट नहीं की, करो ना यार, आई एम ऑन फोन विद द एक्सटर्नल ऑडिटर, दे वांट टू कम, कंपनी सेक्रेटरी सेइंग दे वांट टू, क्या कर रहे हो यार, तुरंत करो। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंटरनल ऑडिटर चेक्स मेनी अदर एरियाज ऑफ बिजनेस, and then all of these areas is checked by statutory auditor. आपको समझ में आया? Internal audit is a part of company management, but statutory audit is independent examination by external auditors. This is absolutely okay everyone. तो चलो, क्या पढ़ रहे हम बोलो? What are we studying right now? We are studying the difference between internal audit and external audit. चलो. मेरे को बताना इंटरनल ऑडिट का नेचर क्या है? इट इज इंटरनल विजावी द ऑर्गेनाइजेशन, मींस एज कंपेयर्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल ऑडिटर इज आइदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और आउटसोर्स्ड सीएफओ, बट इंटरनल ऑडिटर नीड नॉट बी प्रैक्टिसिंग सीए, इंटरनल ऑडिटर कैन इवन बी सीएस, कैन इवन बी सीएमए और कैन इवन बी एनी अदर एक्सपर्ट हु नोस हाउ टू डू इंटरनल ऑडिट। दिस इज ओके एवरीवन। External auditors, external vis-a-vis the organization, they don't know the company, they have not been in employment of the company, they don't have any relative who is working with the company, they are completely external. Is this fine everyone? Internal auditor is appointed by the management. Internal auditor ko kaun appoint karte hain? Management. Audit committee, board of directors, they appoint internal auditor. But external auditor is appointed by shareholders in AGM. एक्सटर्नल ऑडिटर को कंपनी के असली ओनर्स अपॉइंट करते हैं, शेयरहोल्डर्स, और शेयरहोल्डर एक्सटर्नल ऑडिटर को बोलते हैं कि लिसन, हमने हमारी कंपनी में पैसा डाला है बट हम ये कंपनी को चलाते नहीं है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स ये कंपनी को चलाते हैं, जरा डायरेक्टर का काम चेक करो, कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें आके बताओ। ऐसे ऑर्डर के साथ शेयरहोल्डर्स एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट। इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट से सैलरी मांगता है। एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है शेयरहोल्डर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो लोग कंपनी को चलाते हैं और जो कंपनी के ओनर्स हैं उनको, और एक्सटर्नल ऑडिटर फीस डिमांड करते हैं लीगली, ये स्टैट्यूटरी फीस होती है, बिजनेसमैन जो कंपनी को पे करती है, दे आर नॉट सैलरीड एम्प्लॉइज। Internal auditor can be employed, statutory auditor is not employed, they are independent experts, independent professionals. Scope, कौन determine करेगा internal audit का? Management. Management बोलेगी ये audit करो, ये audit करो, अभी ये करो, ये करो। अरे सुनो ना internal auditor, madam please listen, cash fraud हो गया, we want you to go to factory number 1, check all the cash receipts, check कि कहाँ पे cash लीकेज है, report back to us, वो लोग जाके वो check करते हैं। Everyone are you with me? But external auditor का scope कौन बताएगा? Statute, कानून बताता है। कौन सा कानून? Company Act 2013, क्या check करना है, क्या check नहीं करना। This is absolutely okay everyone. आगे, independence vis-a-vis management. Internal auditor is not considered independent. Internal auditor अपने ही boss के ऊपर लात या कीचड़ नहीं उछालेगा। अब वो समझ में आ रहा है क्या? उसके boss ने गलती करते काफी बार चुप रहेगा। थोड़े से दबे रहते मैनेजमेंट से, बिकॉज कोई अपने बॉस को उल्टा कैसे बोल सकता, बट एक्सटर्नल ऑडिटर और इंडिपेंडेंट भाड़ में गया, मेरे को क्या करना है, मेरी कंपनी थोड़ी ना, शेयर होल्डर्स की कंपनी, उनने फेथ रख के मुझे अपॉइंट किया, वो डायरेक्टर जेल में जाए कुछ भी करे, मेरा भाई बंधु थोड़ी ना, जाओ जेल में, फ्रॉड किया जाओ जेल में। स्टैट्यूटरी ऑडिटर पूरी रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंटली बनाता है। इज दिस फाइन? नेक्स्ट, एवरीवन, इवन दो इंटरनल ऑडिटर इज नॉट कंसीडर्ड इंडिपेंडेंट, ये मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो इंटरनल ऑडिटर को कितनी छूट देते हैं। जो ट्रूली कंपनी का भला चाहते हैं वो इंटरनल ऑडिटर को क्या बोलते हैं पता है?
छीड़फाड़ करो, हर एम्प्लॉय का काम चेक करो, हमारा भी जो मिस्टेक से बड़ा बैड हो गया था ऑडिट रिपोर्ट में डालो मेरा नाम, ताकि मुझे भी मालूम पड़े मेरी क्या गलती है। आपको समझ में आ रहा है क्या? फिर और ट्रू मैनेजमेंट एक्सपर्ट और मैनेजर इज वेरी एथिकल एंड दे वांट अदर्स टू फाइंड आउट एंड पॉइंट आउट देयर मिस्टेक्स आल्सो। सो इट इज कंप्लीटली अप टू मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिटर को कितनी छूट देते हो, कितनी पावर्स देते हो, उनको कैसे ट्रेन करते हो, किसको इंटरनल ऑडिटर बनाते हो। दिस इज ओके एवरीवन। इंटरनल ऑडिटर का जो स्कोप ऑफ वर्क होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है प्लस कॉस्ट इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी रिलेटेड टू वेस्टेज लॉसेस, प्रोडक्शन ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड सो ऑन। वो कंपनी का हर एस्पेक्ट चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, कैश लीकेज चेक करते हैं, रेवेन्यू लीकेज चेक करते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि एसेट सेफगार्डेड है कि नहीं, वो लोग ये चेक करते हैं कि कॉम्प्लायंस हो रहा है कि नहीं, हर चीज हर एस्पेक्ट चेक करते हैं। जब हम इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, यानी इंटरनल ऑडिटर भी काफी काम किया है, हम एक सेम यूज करते हैं दैट देयर इज नो स्कोप फॉर इंटरनल ऑडिट, यू कैन चेक व्हाटएवर यू वांट टू चेक। व्हेन आई वाज कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट ऑफ वन ऑफ द कंपनीज, मैंने बहुत कंपनीज का इंटरनल ऑडिट किया, तो मेरे बॉस ने मुझे एक चीज पॉइंट आउट किया, उसने बोला कि अरे सर, यहाँ के जो एम्प्लॉइज लंच पे जाते हैं, तूने देखा कि 45 मिनट तक सारे एसी लाइट्स ऑन रहते हैं। मेरा यस बॉस, ये भी देख रहे हैं, लाइक रिपोर्ट बना ना उसकी। I took my computer, the Excel sheet, and I computed कि साल में कितने दिन काम होता है, 5 days a week IT company में काम होता है, employees 45 minute lunch पे जाते हैं और शाम को 20-25 minute tea break पे जाते हैं, वो time पे पूरे office खाली हो जाते हैं, all the lights are on, all the ACs are on, multiplied by so and so units of consumption, multiplied by 1 hour, 1.15 hours, etc. divided by total shift hours 9 hours into so many days is equal to so much figure, and it turned out that company could save roughly 50 lakh rupees of electricity bill as a internal audit report. Management was like, "What the fuck?" And they decided that jab bhi niche jayenge to wahan ke jo bhi sare operational staff hai, they have to turn off all the lights and the centralization. Aapko samajh mein aa raha hai kya? Abhi वैसे आई हैव सीन इंटरनल ऑडिट केसेस जहां पे एसी का टेंपरेचर लोग 21-22 रखते हैं और ऑफिस का रूल होता है, सर्कुलर आता है, कीप इट एट 24 और उससे लाखों रुपीस का एनर्जी बिल का सेविंग होता है। दैट कैन बी इंटरनल ऑडिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इंटरनल ऑडिट का स्कोप नहीं होता, ऑडिटर कैन चेक एनीथिंग, एनीथिंग व्हिच पर्टेन्स टू ग्रोथ ऑफ द कंपनी, व्हिच विल रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रेवेन्यूज। बट स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर क्या चेक करता है? Only financial accounting or any other area prescribed by statute like tax compliance and labor law compliance. तो statutory auditor को check करना होता है taxes भरे या नहीं, GST भरे या नहीं, उसका report होता है special, जिसको हम tax audit report बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है अभी ना? तो ऐसे कुछ additional areas भी check करने पड़ते हैं। Employees का PF और ESI, मतलब employee state insurance का payment हुआ या नहीं, उसका report होता है। तो auditor को financial audit mainly करना होता है plus some other compliances auditor bhi karta hai statutory auditor. Is this absolutely okay everyone? In conclusion, who is independent auditor? A part of management. Who is external auditor? Independent professionals, not related to the company. Is this fine everyone? Internal auditor is employee, non-practicing CA, can be a practicing CA, can be a CS, CMA or any other expert. Statutory auditor is compulsory practicing CA appointed by shareholders at AGM. Internal auditor can be appointed directly at board meeting or by interviews anytime during the year. This is okay everyone? Sure. So dear students, the other day we have studied Kingston Cotton Mills ka court case. Aur wo court case mein hum log ne kya padha tha? Auditor is a not a bloodhound. मतलब कि auditor is not liable for prevention and detection of error and fraud. बट उसका प्राइमरी ड्यूटी क्या ऑडिटर का? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। हाँ, इफ एरर एंड फ्रॉड इज क्लियरली एविडेंट यूजिंग ऑडिट प्रोसीजर, देन ऑडिटर इज लायबल। दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, ये फ्रॉड और एरर का इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेटर। हु इज द ब्लड हाउंड? इन्वेस्टिगेटर। दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन। लेट अस स्टडी इन्वेस्टिगेशन क्या है। इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटेड टू क्रिटिकल चेकिंग ऑफ पर्टिकुलर रिकॉर्ड। इन्वेस्टिगेशन तब होता है व्हेन अ लैप्स
already exist to pinpoint the reason and the person involved in it, so that we have to find out ki kaun responsibility kahan pe lapse hai. But audit kya hai? Audit ye ek routine checking hota hai, ek routine procedure hai jo har saal auditor aake aapke books of accounts true and fair hai, yani is copy na encrypt karta hai. So let us study this distinction everyone, jisse aapko ek acha idea aa jayega audit ka, and then we can go to normal areas of study. All right, so students tell me, investigation kya hai? Investigation is systematic, critical and special examination. Har din hoti kya ye? No, ye har din nahi hoti. Investigation tab hoti hai when there is an issue, when there is a fraud, when there is revenue leakage, when there is theft of cash, when there is a big problem in the company jisse company ki survival question mein aa gayi. Are you with me everyone? So investigation kya hai? Systematic, critical and special examination of records of business for specific purpose. Audit is overall examination. Yes or no everyone? Aur aapko audit ka definition yaad aa raha, humne padha tha. Audit is independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, and such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. So the same definition is written over here. Now, let us see ki investigation audit mandatory hai ya nahi. Bolo, investigation mandatory hai kya? Government banduk leke khadi hai kya? Chal investigate kar. No. It is voluntary. Agar aapko lag raha hai ki aapke business mein kahin bhi kuch issue hai, aapko lag raha hai ki nahi yaar kahin se to baba hamara paisa chori ho raha hai. हम इतना कमा रहे हैं, इतने सारे क्लाइंट हैं, फिर भी पैसा कहाँ जा रहा है? वो केस में हम इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करते हैं. इन्वेस्टिगेशन इज वॉलंटरी, बट ऑडिट इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज, इट इज वॉलंटरी फॉर अदर्स. तो मुझे एक बात बताना है एवरीवन, इंडिया में कितनी कंपनीज है आज रजिस्टर्ड? टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनीज इन इंडिया इज 1717 लाख. हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करा के लेने. चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ओवरऑल एग्जामिनेशन करता है और ट्रू एंड फेयर व्यू है यानी वो एक बार चेक करता है. ऑडिटर यूजेस मटेरियलिटी, दो तीन रुपए का एरर, दस रुपए का एरर वो इग्नोर कर, दिस इज फाइन, एक ओवरऑल ओपिनियन को देता है. आगे बोलो, कौन कंडक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन? एनी पर्सन हु मे नॉट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट बट कैन बी सम अदर एक्सपर्ट, कैन बी अ कंपनी सेक्रेटरी, कैन बी अ सीपीए, can be a cost and management accountant. This is fine. But students, आपको तो पता ही है कि audit कौन करता है? Compulsorily chartered accountant who is a practicing CA under the defined, under the Chartered Accountant Act 1949. मैंने आपको class start होने से पहले क्या बोला था? Whenever I say audit, I am talking about company audit and I am talking about statutory audit. Yes or no everyone? एक दूसरा भी type का audit होता है जिसको हम बोलते हैं internal audit, जो CA, CS और CA में कोई भी कर सकता है. कोई याद आ रहा है everyone? We are not talking about that audit. We are talking about statutory audit. Appointed, appointing agency. मुझे एक बात बताना है, investigator को कौन appoint कर सकता है? Generally owner or management, but कभी-कभी third party भी appoint कर सकते हैं. This is interesting. Now listen to me carefully. Third party, क्यों हमारी company में investigation कराना चाहिए? Because third party का कोई stake या interest होता है हमारी firm में. For example, third party can be government. तो गवर्नमेंट को लग रहा है दैट समथिंग इज रॉन्ग, ये कंपनी ने एक्सेस नहीं कर ली, ये कंपनी ने कुछ रेगुलेटरी फाइलिंग्स जो किया था सेबी के साथ उसमें कुछ उन्होंने गड़बड़ की है. ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है जैसे कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको लग रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज में कुछ आपने जो इन्फॉर्मेशन फाइल किया वो मिसडीड है, तो वो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन रेज कर सकते हैं. एवरीवन आर यू विद मी? और वेंडर भी आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. नाउ यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. क्या होता है, बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स होते हैं. क्या होते हैं? क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स. लाइक फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो आपके वेंडर है, जो सप्लायर है, जो आपको ड्रग सप्लाई करते हैं, वो पेटेंट के तहत सप्लाई करते हैं, बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है और कुछ उनके कंडीशंस होते हैं. दोस कंडीशंस में इंक्लूड हाउ यू पैकेज एंड हाउ यू मार्केट द कमोडिटी एंड हाउ यू प्रोसेस इट. अगर उनको लगा कि आप उनके अनुसार वो ड्रग्स को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कंपनी में आके इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं. तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको उनके साथ ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है. तो बोलो, कौन इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करता है? ओनर्स और मैनेजमेंट और इवन थर्ड पार्टीज. बट एवरीवन, ऑडिटर्स को कौन अपॉइंट करता है? ओनली शेयर होल्डर्स एट एजीएम, एट शेयर होल्डर्स मीटिंग. यस ऑर नो एवरीवन? कंपनी के जो ट्रू ओनर्स है
वो अपॉइंट करते हैं. आगे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट. इन्वेस्टिगेटर किसके लिए काम करता है? अपॉइंटिंग एजेंसी. इन्वेस्टिगेटर आता है अपॉइंटिंग एजेंसी से, मिलता है, पूछता है क्या चाहिए, क्या प्रॉब्लम है आपको, जरा प्लीज मुझे बताओ, फिर वो वही जाके काम करता है, वही अनुसार रिपोर्ट करता है. बट ऑडिटर किसके लिए काम करता है? बिना ऑडिटर स्टैट्यूट के तहत कंपनी के जो ट्रू ओनर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, उनके लिए काम करता है. यस ऑर नो एवरीवन? सो ऑडिटर कैरीज ऑन वर्क ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स, मतलब कि शेयर होल्डर्स, इवन इफ द पावर ऑफ अपॉइंटमेंट मे बी डेलीगेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वंस इन अ व्हाइल. In certain cases, like in case of casual vacancy, auditor can be appointed by board of director, but auditor काम करता है shareholder के लिए. Scope and coverage. Everyone, जो investigator है, वो आता है preconceived notion के साथ कि company में कोई घोटाला हुआ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ fraud हुआ है, और मुझे जाके ये area check करना है. तो अगर SEBI ने investigator appoint किया है, तो SEBI ने क्या बोला है? कि ये company में कुछ officers ने insider trading किया. What is insider trading? Do you remember? Disclosing price-sensitive information not available to public and making profit unethically out of it, right? तो investigator आके कहाँ directly jump मारेगा? Share price पे. और जो भी team है जिनके पास price-sensitive information का access है, वो जाके production labor को पकड़ेगा, क्या production labor इधर आ? No, वो directly वो area में जाएगा, finance department के पास जाएगा. Everyone are you with me? So जो scope होता है बहुत specific होता है investigator का. He seeks to answer only those questions which are laid down in the engagement letter. हमारा cash चोरी हो रहा है, कौन cash चोरी आ रहा है आगे investigate करो. हमारा revenue लेके चल रहा है, मतलब कि जो पैसा आना चाहिए revenue आना चाहिए वो नहीं आ रहा. कौन defaulted कर रहा है cash, क्या cashier cash defaulted कर रहा है, या फिर जो recovery agent से वो अपने नाम पे checks ले रहे, क्या हो रहा है, ये आप investigate करो. ऐसा उनको बोला जाता है काम क्या है. But everyone, auditor का scope कैसा है? General. Auditor checks all the work of the company pertaining to financial information and expresses an opinion, right? So he has to check everything, right from inventory, stock, debtors, creditor balances to balance sheet items to P&L items, right everyone? Period covered. Investigation can be for 1 day, 1 week, 2 weeks, 3 months, 4 months, 1 year, 2 years, 3 years. Audit is always from 1st April to 31st March. Yes or no everyone? So audit is for financial year. Preconception. जब investigator company में आता है, उसको ये मन से आता है कि ये fraud है? Yes, तभी तो उसको बुलाया है. उसका काम ही fraud ढूंढ के बाहर निकालना. But auditor ऐसा सोच के आता है क्या? नहीं यार, पूरी दुनिया ही काली है. Everything is garbage. नहीं यार, सब लोग पूरी दुनिया ही रखते हैं. ये लोग सब fraudster हैं. मैं इनको आके पकड़ूंगा. अरे नहीं नहीं नहीं. ऑडिटर की जो कंपनी होती है, ऑडिटिंग कंपनी, वो उसकी क्लाइंट होती है. ही गिव्स ड्यू रिस्पेक्ट टू द कंपनी. वो कंपनी में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और बहुत लर्नड लोग होते हैं. मे बी योर ऑडिटिंग कैन बी मुकेश अंबानी, मे बी योर ऑडिटिंग कैन बी द टाटास. यू हैव टू शो ड्यू रिस्पेक्ट. दीज आर लेजिटिमेट बिजनेसमैन. यू हैव टू अज्यूम दैट थिंग्स आर ओके, एंड देन टू योर सैटिस्फैक्शन यू हैव टू टेस्ट द इंटरनल कंट्रोल. यू हैव टू सी वेरियस बुक्स, राइट एवरीवन? आपको पूरा चेक करना है. सिर्फ प्रीकंसीव्ड नोशन से नहीं आ सकते कि नहीं यार चीजें गलत है. मैं सब बोल सकता हूँ क्या कि नहीं नहीं स्टूडेंट्स अभी गलत है, स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं. नहीं नहीं नहीं, आई हैव टू गिव बेनिफिट ऑफ, आई हैव टू बिलीव इन यू दैट यू स्टडी. आर यू विद मी? देन यू आर स्कोर बिल्डर कि क्या पढ़ रहे हो यार, राइट? ऑडिट इज नॉट बेस्ड ऑन सस्पिशन अनलेस द सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट टू अराउज सस्पिशन. एविडेंस. इन्वेस्टिगेटर को एविडेंस कैसे लगता है? एवरीवन, ये एक एक सेंटेंस मल्टीपल टाइम एमसीक्यू में आ चुका है. ये सेंटेंसेस आपको याद रखना है. सुनो, इन्वेस्टिगेटर किस तरीके का एविडेंस सीक करता है? कंक्लूसिव एंड कोऑपरेटिव. बोलो, कैसा एविडेंस सीक करता है वो? कंक्लूसिव एंड कोऑपरेटिव. उसके एविडेंस के हिसाब से पर्सन को जेल हो सकती है 10 साल की, उसका करियर, उसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है. आर यू विद मी? इन्वेस्टिगेटर के पास रॉक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू लीड टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं एवरीवन? सो रॉक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए. एग्जाम में ऐसा कुछ सोचना नहीं है, लिखना नहीं है, बट अपने मन में आपको याद रखना है, राइट? आगे ऑडिटर का एविडेंस कैसा होता है? पर्सुएसिव. ऑडिटर का एविडेंस कैसा होता है? पर्सुएसिव. पर्सुएसिव एविडेंस हेल्प्स हिम इन टेकिंग एन ओपिनियन. तो पर्सुएसिव एविडेंस क्या होता है? ओपिनियन होता है. That the books of account show are true and fair. Is this fine, everyone? So, persuasive evidence helps in creating opinion. बार बार ये एग्जाम में आ चुका है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये सब आ चुका है.
फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग. स्टूडेंट्स जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनको कोई भी स्टैट्यूटरी मतलब कि कोई भी कानून ने रिपोर्टिंग फॉर्मेट नहीं दिया है. उनको ऐसा नहीं बोला गया है कि ये फॉर्मेट है इसमें ये डिटेल्स भरो. जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जो मैनेजमेंट है कंपनी की वो बताती है कि देखिए सर कुछ तो फ्रॉड हुआ हुआ है कुछ कैश फ्रॉड हुआ हुआ है तो प्लीज कैश इन और कैश आउट कहां पे कैश आया कहां पे कैश गया इसका आप ऑडिट करो और मेरे को डिटेल में कैश के बारे में रिपोर्ट दो. मैं चाहता हूं कि मुझे ये इंफॉर्मेशन हो हर दिन कितना कैश आया कितना गया हर दिन बैंक में कितना कैश जमा नहीं हुआ. तो ये फॉर्मेट कौन बताएगा मैनेजमेंट बताएगा. इज दिस फाइन एवरीवन. सो देयर इज नो स्टैट्यूटरी फॉर्मेट बट एवरीवन ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होता है यस दैट फॉर्मेट इज गिवन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और वही फॉर्मेट ऑडिटर ने यूज करना है. इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है उनके ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड है वहां पे फॉर्मेट दिया हुआ है. वो फॉर्मेट वो पॉलिसीज हमें फॉलो करनी वो रूल्स हमें फॉलो करने. इज दिस फाइन एवरीवन. पीट विलियम्स ने कहा है I am not suggesting there are errors at all. I am saying without proper audits, there is no way to restore. Everyone, ये छोटे-छोटे लोगों के phrases और sayings आपके module में introductory area में दिए हुए हैं. जैसा आपने ये example वैसे आता नहीं है, but इसको पढ़ने से काफी अच्छा knowledge मिल जाता है. Evolution of auditing. The term auditing is derived from Latin word audit, which means to याद आ रहा है क्या आपको. नीचे जा रहा हूं मैं और एंशिएंट कल्चर में साइंस है ऑडिटिंग के ग्रीक इजिप्ट रोम यूके एंड इंडिया. मैं आगे जा रहा हूं एवरीवन या हाईलाइट कर सकते हो जाओ मैं आगे. अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य डिटेल्ड रूल्स फॉर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ऑफ पब्लिक फंड्स. प्लीज इतने एरिया को हाईलाइट करो. मैं आगे जा रहा हूं एवरीवन. In India, Company Act 2013 makes audit compulsory for all company accounts. Yes, all my everyone, ये मैंने आपको बार-बार बताया. 17 लाख कंपनी इन इंडिया में और सबको ऑडिट कंपलसरी है. नीचे ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है टू एक्सप्रेस whether the accounts show a true and fair view rather than true and correct. आदम बाबा के जमाने में ऑडिटर को बोला जाता था ट्रू एंड करेक्ट व्यू. करेक्ट मतलब कि एक रुपया भी प्लस माइनस नहीं होना चाहिए. बट अभी ऐसा नहीं है. नाउ वी यूज द कांसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी मतलब कि 10-20 रुपए का एरर तो चलता है. ऑडिटर एक ओवरऑल पिक्चर देख के ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा. दिस इज फाइन एवरीवन. आगे हेंस द एम्फसिस इज नॉट ऑन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बट ऑन फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल एफर्ट्स मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ ऑडिटिंग. तो हम लोग ने डियर स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का डेफिनेशन पढ़ी ली है बट अभी दूसरे भी डेफिनेशन पढ़ते हैं. लोगों ने क्या कहा है लॉरेंस डिक्से ने कहा है एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड अंडरटेकन विद अ व्यू टू एस्टैब्लिशिंग दैट दे करेक्टली एंड कंप्लीटली रिफ्लेक्ट ट्रांजैक्शन टू व्हिच दे प्रपोज टू रिलेट. टेलर एंड पेरी ने कहा है ऑडिट इज इन्वेस्टिगेशन. बट स्टूडेंट्स ऐसे सब एग्जाम में आप मन में बात रखना इन्वेस्टिगेशन अलग होता है ऑडिटिंग अलग होता है राइट. ऑफ सम स्टेटमेंट ऑफ फिगर्स इन्वॉल्विंग एग्जामिनेशन ऑफ सर्टेन एविडेंस FRM Dipala ने बोला है audit denotes examination of balance sheet and P&L account prepared by others together the books of accounts and vouchers. और नीचे auditor को क्या देना है अपना opinion देना है कि balance sheet is properly drawn up to exhibit true and correct view. but अब हम क्या word use करते हैं true and fair view. is this fine everyone. ये पुरानी ideology है. Professor Montgomery ने बोला है auditing is a systematic examination of books and records and ऑडिटर को क्या करना है he has to verify and to report about the facts regarding financial operation and results. Spicer and Pegler ने बोला है auditing as such is the examination of books of accounts and voucher. it will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is proper drawn up to show a true and fair view. और ऑडिटर क्या करता है he asks for information and explanation from the employees of the company और उसके हिसाब से अपना opinion express करता है. मैं आगे जा रहा हूं एवरीवन. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बोला है ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा स्टेटमेंट रिकॉर्ड ऑपरेशन परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस. इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन ऑडिटर परसीव्स एंड रिकॉग्नाइजेस द प्रपोजिशन बिफोर एंड फ्रॉम एग्जामिनेशन कलेक्ट्स एविडेंस इवैल्यूएट्स द सेम एंड ऑन द बेसिस फॉर्मुलेट्स हिज जजमेंट व्हिच इज कम्युनिकेटेड थ्रू द ऑडिट रिपोर्ट. तो एवरीवन आपको याद आ रहेगा मैंने आपको एग्जांपल दिया था बीआरएस का कि ऑडिटर बीआरएस चेक करता है बैंक स्टेटमेंट बैंक से ऑब्टेन करता है तो वो ऑडिटर के एविडेंसेस है.
ऑडिटर बिल्स लेता है, वाउचर्स लेता है, चेक करता है कि जो बिल पे अमाउंट है वही जर्नल एंट्री में अमाउंट है या नहीं। एवरीवन आर यू विद मी? अगर बैंक में 10,000 गया है तो उसका बिल किधर है? ये पैसा 10,000 कहां यूज हुआ, किसने लिया, क्यों लिया, किसकी अथॉरिटी थी वो पैसा निकालने की? एवरीवन आर यू विद मी? एंड देन जो ऑडिटर का ओपिनियन होता है, ऑडिटर कैसे एक्सप्रेस करता है शेयर होल्डर्स को, स्टेक होल्डर्स को, थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। द मीनिंग ऑफ एन ऑडिट कंटेन्स, नंबर वन, ऑडिटिंग क्या है बोलो? क्रिटिकल एंड इंटेलिजेंट एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज डन बाय इंडिपेंडेंट, मतलब कि नॉट रिलेटेड टू कंपनी। 10 बार मैं बोल चुका हूं, क्वालिफाइड पर्सन मतलब कि अ पर्सन हु हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी एंड अलाइड एरियाज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट एवरीवन? नेक्स्ट, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऑडिटर सैटिस्फाई हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड। आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑडिटर कौन है? एक प्रोफेशनल है जो ऑडिट कंडक्ट करता है, और किसका ऑडिट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट या ऑडिटी। ऑडिटर, ऑडिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज गेटिंग ऑडिटेड। सो मैं बार-बार क्या बोलूंगा? ऑडिटी या क्लाइंट, क्लाइंट जो भी पर्सन का हम काम करते हैं और वो हमें फीस देता है उसको क्लाइंट बोलते हैं। एवरीवन आर यू विद मी? यस, वेरी गुड। एज आई वाज टेलिंग यू, ऑडिट is done with the help of voucher, document, information, explanation. So auditor क्या करता है? Bills देखता है, bank statements देखता है, various debtors को call करके पूछता है कि जो balance यहाँ पे दिख रहा है 1 lakh, क्या 1 lakh देने वाले हो? तो फिर balances reconcile करता है वो auditor accountant से, बाकी various officers से company के बातें करता है, interview लेता है, पूछता है उनसे कि कैसे accounting करते हो, इन्वेंट्री को कैसे काउंटिंग करते हो, इन्वेंट्री कितनी चल गई इसका हिसाब कैसे रखता है, एक्सेट्रा। सो ये सारी रिसर्च करके ऑडिटर इंफॉर्मेशन और इन्फरेंसेस रिड्यूस करता है। द ऑडिटर सैटिस्फाइज हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, जो ऑडिट करता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। ऑडिटर इज द प्रोफेशनल हु कंडक्ट्स ऑडिट, और जिसका ऑडिट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट या ऑडिटी, द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज गेटिंग ऑडिटेड। फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट इज डन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन एंड द पर्सन शुड बी क्वालिफाइड फॉर द जॉब। ऑडिट इज वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स व्हिच इज शोन बाय P&L एंड बैलेंस शीट। ऑडिट इज क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। ये जो इंटरनल कंट्रोल है ना, और ये अकाउंटिंग का सिस्टम क्या होता है, ये हम आगे के चैप्टर पे देखेंगे। इंटरनल कंट्रोल एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, हम वो टाइम पे देखेंगे। अभी के लिए याद रखना कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल और अकाउंटिंग सिस्टम का भी क्रिटिकल रिव्यू करता है। ऑडिटर वाउचर, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन लेके ऑडिट करता है। ऑडिटर हैज टू सैटिस्फाई हिमसेल्फ विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज whether they exhibit true and fair view or not. Auditor has to inspect, compare, check, review, scrutinize the vouchers, examine correspondence, minute book of shareholder, directors, memorandum of association, article of association, etc. to authenticate whether the books of account show a true and fair view or not. Now dear students, मैंने आपको objects of auditing already बता दिया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑडिटर का क्या है? टू एक्सप्रेस है ओपिनियन। और क्या ओपिनियन ऑडिटर एक्सप्रेस करेगा? वेदर द बुक्स ऑफ अकाउंट शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। और ऑडिटर का सेकेंडरी ऑब्जेक्ट क्या है? डिटेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स। ये हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ऑडिटर इज अ वॉचडॉग, नॉट अ ब्लडहाउंड। तो किंगस्टन कॉटन मिल्स का पूरा कोर्स डिस्कस किया था, तब ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली ओके। Now, dear students, even though auditor का primary duty नहीं है to detect and prevent fraud and error, but जो भी material fraud and error होता है, material मतलब कि significant, material मतलब कि बड़े value का, ये auditor को audit करते time दिख के आना चाहिए, because auditor तो सारे documents देख रहा है, auditor तो bank statement check कर रहा है, ऑडिटर तो वेरियस इनवॉइसेस और बिल्स चेक कर रहा है जो बाहर की पार्टी से है, ऑडिटर तो चेक कर रहा है कि पेमेंट आपने कौन सी पार्टी को किया है। तो अगर कोई बहुत मटेरियल एरर फ्रॉड है, तो
तो वो इंसिडेंटली ऑडिटर को समझ में आ जाना चाहिए. इज दिस ओके एवरीवन? ऑडिटर अंधा नहीं हो सकता कि उसको कुछ भी ना समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता. सो एवरीवन ये सेंटेंस पढ़ेंगे. Detection of material fraud and error is incidental object of independent auditor which flows from the main object of determining whether books of accounts show true and fair view or not. ICAI instead of Chartered Accountants of India बोलता है, auditor should bear in mind the possibility of existence of fraud or error in the accounts under audit since they may cause the financial position to be misstated. Fraud क्या होता है? Intentional, मतलब कि जानबूझ के misrepresent करना. ये हमने rectification of errors में पढ़ा है कि errors क्या होते हैं. अब एरर हो जाते हैं अनइंटेंशनली अनजाने में, यस और नो? बट फ्रॉड कैसा होता है एवरीवन? ये इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जिसका बहुत सीरियस रिपरकशन अकाउंट्स के ऊपर हो सकता है. इज दिस फाइन एवरीवन? चलो मैं आगे जा रहा हूं एंड वी आर नाउ मूविंग ओवर टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. ये कुछ साल पहले की असली स्टोरी है. तो मेरा एक स्टूडेंट था एवरीवन, वो मराठवाड़ा में एक छोटे से गाँव से आया था. And he was very scared of such big city like Pune. Everyone is talking in English and people have money. And young students ke paas two wheelers hai, jeb mein 500-500 rupees hai. They can afford to go to CCD. But ye bechara gaon se aaya hua, he is very very scared. Aur usko pata bhi nahi hai ki kaise logon se baat karni hai, kya karna hai, kya nahi karna. And one fine day, completely scared, ये बेचारा लड़का पीडी के कट्टे में गया. It is that section between BMCC and MMCC college. पहले हम इसको प्रियदर्शनी का कट्टा बोलते हैं. और एवरीवन यहाँ पे वड़ा पाव, दाबेली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मिलता था. All college students of MMCC, BMCC, FC and Symbiosis used to hang out there. बहुत साल उसे कट्टा था वो. फिर वहां पर ट्रैफिक कंजेशन प्रॉब्लम्स होने लग गया तो ट्रैफिक पुलिस ने उनको वहां से हटा दिया. बट एवरीवन यहां पे बैठा था लड़का मायूस और उसके दो रूममेट्स थे. उसने बोला क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? उसने बोला आई एम गोइंग बैक होम, मुझे सीए का कोर्स नहीं करना, मुझसे नहीं होने वाला. यहां पे सब लोग हाई फंड हुए, इंग्लिश में बात करते, दे हैव गुड स्किल्स इन अकाउंटेंसी, उनको समझ में आता है, टीचर्स आर टॉकिंग इन इंग्लिश, दे आर एबल टू अंडरस्टैंड. मुझे ये सब नहीं समझ रहा, मुझे कल्चर सूट नहीं हो रहा. मैं गाँव का लड़का हुआ, मैं शेतकरी फैमिली का लड़का, आई एम आई कम फ्रॉम फैमिली ऑफ फार्मर्स, मुझे नहीं सब जानता. उसने बोला शांत रहे और डरा मत. ये मैं जानता है कितनी बार फेल हुआ है सीपीटी में, दो बार फेल हुआ और मैं सीए इंटर में दो बार फेल हुआ और फिर मैं पास हुआ. तो हम लोग तेरे को गाइड करेंगे. एंड देन दोस टू रूममेट्स अलोंग विद देयर सम फ्रेंड्स यूज्ड टू हैंग आउट देयर एट पीडी का कट्टा. दे यूज्ड टू टेक नोट्स, डिस्कस स्टडीज एंड ऑल्सो हैव अ गुड टाइम. एंड डियर स्टूडेंट्स वहां पे बैठ के उसका कॉन्फिडेंस आया और उसके रूममेट्स ने और उसके फ्रेंड्स ने उसको हेल्प दिया. सो व्हेन ही क्लियर्ड सीपीटी एग्जाम ही सेड कि सर थैंक्स टू यू, आप तो मेरे गुरु हो, बट स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड जो पीडी के कट्टे में बैठ के जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है और जिन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई है और मुझे बताया कि कैसे क्वेरी करना. तो उसने मुझे बोला सर आई ओ पीडी सीपीटी, आई ओ पीडी का कट्टा माय सीपीटी एग्जाम. यस और नो एवरीवन? तो ये किस चीज का एब्रिवेशन है? दिस इज प्रीरिक्विजिट और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड बाय ऑडिटर टू इंश्योर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस. आपको याद आ रहा है कि ये ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होना चाहिए, यस और नो? तो क्या एसेंशियल प्रीरिक्विजिट्स है जो ऑडिटर में फॉलो करने हैं एवरीवन? आई ओ पीडी सीपीटी. I से integrity, O से objectivity, PD professional competence and due care, C for confidentiality, P for professional behavior, D for technical standard. इसका मतलब क्या, मैं आपको बता रहा हूँ. Integrity मतलब ईमानदारी. अगर accountant ने गलती की है, 10,000 cash withdraw किया, but bills लगाए 3,000 के, तो 7,000 घर लेके चला गए, fraud किया कि नहीं, तो उसके against एक report लिखना पड़ेगा. अगर उसकी जॉब भी चले जाए या उसके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो भी वो करना पड़ेगा. अकाउंटेंट कितना भी रोए कितना भी गिड़गड़ाए, यस और नो एवरीवन? सो दैट इज इंटीग्रिटी, ईमानदारी.
जिसने गलत काम किया है उसको सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा. यस ऑर नो एवरीवन. नंबर टू ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि कोई भेदभाव नहीं, मेरे लिए सब एक समान है और मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे भरोसा करता हूं और मैं लोगों के बोलने पे नहीं जाता. यस ऑर नो एवरीवन. सो एकदम ऑब्जेक्टिव माइंड होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस, फ्री फ्रॉम प्रेजुडिस, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर. Because I am a chartered accountant, every day I will study new taxes, new laws, and I will keep myself abreast of latest professional developments. I will be up to date with all the laws of India, all the latest developments in the market. Confidentiality, jo client ka main kaam karta hu, client ka naam, client ka hisab kitab, unke figures, unki secret of business, mujhe confidential rakhna hai, kisi ko batana nahi hai. Unless law मुझे बोलता है या court बोलता है या तो ICAI की disciplinary committee बोलती है बोलने के लिए, तब तक मुझे मेरा मुंह बंद रखना पड़ेगा, right? Professional behavior everyone. When I am in front of clients, when I am in my office, I will wear professional clothing. I cannot go to office wearing a t-shirt. I will wear a sari. I will wear western formals. I will wear a tie. I will wear a blazer. I will sit as a person of integrity would sit. I would conduct myself in such a way so as to show professionalism and not bring disrepute to my profession. Yes or no, everyone? I remember, jis firm mein main kaam karta tha as a CA, wahan pe ek baar ek kissa hua. I was in CA final and ek bahut badi company mein team thi mere boss ki. Aur wo team ki complaint aayi aur boss ne aise sar pe haath rakha baitha. Usne bola idea. Dekho maloom hai kya hua? Ye log sab wo client ke paas wahan baithe the. It was a team of young boys and girls, little more than your age, 19-20 years, okay? Jinka CPT ho gaya tha aur jo article chip kar rahe the. Aur in log sab ka kaam ho gaya, to 4:30 baje ye log baithe, wo jo office ka cubicle hai uske table pe do ladke baithe the, ladkiyan niche baith ke gappe maar rahe the. Director aaya, director ne dekha aur immediately ki call kiya, usne bola tum log auditors ho, ye log aise kyun baithe ho? Main baith sakta hu kya idhar first desk pe aake baith gaya aise aapke sath gappe maarta hu kaise chal rahe. No, everyone. That is unprofessional behavior. Yes or no? So professional behavior hame rakhna hai and technical standards. What are technical standards in case of a chartered accountant? Accounting standard, IFRS, auditing standards. Yes or no, everyone? So ye sare technical professional standards ko mujhe complete knowledge hona chahiye taki main acche se audit kar sakun. Everyone, are you with me? So ye sare points hai prerequisites of ensuring independence, also called as fundamental principles to ensure auditors independence. Is it okay here? ये बहुत important points हैं, ये सब MCQs में आते हैं. Please jot down. Basic principles governing an audit. Audit करते time क्या principles मुझे मेरे ध्यान में रखने हैं? Who am I? I am a chartered accountant. I am an auditor. Yes, engineer. So everyone, let us see क्या क्या basic principles ध्यान में रखने हैं. I CS company secretary. Depreciation का एक मेथड है SLM, दूसरा क्या है WDP. तो यहाँ पे WDP और हवा AIR. CS WDP AIR. Everyone क्या abbreviation है? CS WDP AIR. हवा. IOI मतलब कि integrity, objectivity, independence. ये तीनों का आपको meaning मालूम है, मैंने सिखाया हुआ है. इंटेग्रिटी ईमानदारी, जो गलत है जो सही है सही है. ऑब्जेक्टिविटी, नो भेदभाव. अगर चार अकाउंटेंट है उसमें से दो ने गलत काम किया तो दो मेरे भाई बंधु है, इसके लिए आपको छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं. जिसने गलत काम किया उसने गलत काम किया है, उसका रिपोर्ट करना पड़ेगा. इंडिपेंडेंस, आई शुड नॉट बी रिलेटेड टू कंपनी. कंपनी में गया और देखा कि मेरा कजन ही कंपनी सेक्रेटरी, अरे क्या है घनश्याम कैसा है, मुझे रिजाइन करना पड़ेगा. आई कैन नॉट बी ऑडिटर एथिकली नॉट. यस ऑर नो एवरीवन. कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट के बारे में बोलना. अभी मैंने आपको एक किस्सा बताया जहाँ पे यंग आर्टिकल असिस्टेंट टेबल के ऊपर अनप्रोफेशनली बैठे थे. क्लाइंट नेम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्लाइंट ऑफ माय फर्म? मैंने नहीं बताया. कॉन्फिडेंशियलिटी. यस ऑर नो एवरीवन. स्किल एंड कॉम्पिटेंस. कोई भी पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता, उसके पास स्किल और कॉम्पिटेंस होना चाहिए, ऑडिट करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम डिग्री. वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स. क्या ऑडिटर बड़ी बड़ी कंपनी जिसके 200 ब्रांचेस है उसका पूरा काम खुद कर सकता है? नो. सो ऑडिटर टेक्स हेल्प ऑफ एम्प्लॉइज. ऑडिटर टेक हेल्प ऑफ हिज पार्टनर्स. ही टेक्स हेल्प ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स.
we sometimes even take helps of experts like engineers, like actuaries, like architects to get certificates pertaining to completion of building and the work done on machines. जैसा आपने एडिट किया तो ऑडिटर अकेला काम नहीं करता बड़ी बड़ी टीम्स के साथ लोगों के साथ काम करता है डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन पे रिलाय करता है खुद भी डॉक्यूमेंटेशन करता है यस और नो जिसको हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं ऑडिट करते टाइम आपको प्लान करना पड़ेगा कि ऑडिट कैसे करना है ऑडिट एविडेंस आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा उसके हिसाब से ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कर सकते हो आपको अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल कंपनी का चेक करना पड़ेगा ये आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे documentation, planning, audit evidence आगे की चैप्टर में पढ़ने वाले हैं at the end of audit you have to give your conclusion and reporting last chapter में हमें पढ़ेंगे this is okay everyone तो ये points अभी हम briefly discuss कर रहे हैं but आगे जाके इस पर dedicated chapters हैं please jot down so dear students हम लोग ने just अभी standard on auditing 200 का basic principle governing an audit पढ़ा तो इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी इंडिपेंडेंस ये मैंने आपको बताया ऑडिटर ऑनेस्ट सिंसियर होना चाहिए इंपार्शियल होना चाहिए फ्री फ्रॉम बायसनेस कॉन्फिडेंशियलिटी ऑडिटर ने क्लाइंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी ऑब्टेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बट अगर लीगल ड्यूटी है टू डिस्क्लोज तो ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा अगर कोर्ट ऑफ लॉ में ऑडिटर को बोला चाहे डिस्क्लोज कर क्योंकि कंपनी ने फ्रॉड किया इन्वेस्टिगेशन होगा तो ऑडिटर को बताना पड़ेगा सही बात है कि नहीं एवरीवन आगे नेक्स्ट स्किल एंड कॉम्पिटेंस सो ऑडिटर ये ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एक लेगा कॉम्पिटेंट स्किलफुल होना चाहिए एंड शुड बी अब्रेस्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग मैटर्स तो जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है हमारी प्रोफेशनल फील्ड में इसके बारे में पूरा नॉलेज ऑडिटर को होना चाहिए कॉन्फ्रेंसेस ट्रेनिंग सेशंस बुक्स ये सब ऑडिटर को पढ़ना पड़ेगा ऑलराइट आगे वर्क परफॉर्म बाय अदर तो ऑडिटर अपना काम डेलीगेट कर सकता है टू अदर्स ही कैन आल्सो टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट लाइक आर्किटेक्ट्स लाइक एक्चुअरीज लाइक इंजीनियर्स सो ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा मैटर्स को प्लानिंग करेगा इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं ऑडिटर विल ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस बाय यूजिंग कॉम्प्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ये कॉम्प्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होते हैं आगे ऑडिट एविडेंस के चैप्टर में पढ़ेंगे अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल क्या होता है इंटरनल कंट्रोल के चैप्टर में पढ़ेंगे राइट ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग में एवरीवन ऑडिटर क्या-क्या चीजों पे कंक्लूजन देगा सबसे पहले तो देखा गया whether the accounting policy are consistently applied means year after year same policy apply हुई है या नहीं whether the financial information complies with regulation and statutory requirement मतलब कि कायदे कानून का पालन किया है या नहीं and the last one whether there is adequate disclosure of material matter material मतलब कि significant large items relevant to the presentation of financial information this is absolutely okay everyone